बच्चों आज हम आखिरी हर्फ लिखो। तो आज हमको आखिरी हर्फ लिखना है, हर लफ्ज का आखिरी हर्फ। तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या है। अलिफ मद आ और प आप। आप में अ एक नंबर पे है और प दूसरे नंबर पे। जो आखिरी नंबर है वही हमारा आखिरी हर्फ रहेगा। तो आखिरी हर्फ क्या है? प। क्या है आखिरी हर्फ? प। इसी तरह दूसरा लफ्ज है आड़। कौन सा लफ्ज है? आड़। पहला इसमें आ और दूसरा है ड। तो दूसरा नंबर क्या रहेगा? आखिरी हर्फ रहेगा। तो आखिरी हर्फ पे क्या आएगा? ड। देखो हमने यहाँ पे लिखे ड। उसके बाद है आज। क्या है? आज। आज में पहला कौन सा है? पहला है आ। पहला है आ, अलीफ नहीं है, आ है, मद है ना इसमें, मद। तो आ। और उसके बाद आखिरी हर्फ क्या है? ज। आखिरी हर्फ है ज। तो हमने क्या लिखे यहाँ पर? जो दूसरे नंबर पे है। इसके बाद कोई और नंबर है क्या? एक है, फिर दो है। दो के बाद कोई तीसरा नंबर दिख रहा है क्या? चौथा, पांचवा कोई दिख रहा नहीं, दिखाई दे रहा है। तो पहले और दूसरा, दूसरे में जो दूसरा वही हमारा आखिरी हर्फ रहेगा। तो हमने लिख दिए ज। उसके बाद आन। आन में पहला क्या है? आ। और दूसरा क्या है? नून, न। इसके बाद कोई और आखिरी, कोई और नंबर हमको दिखाई दे रहा है? एक और दो। तो दूसरा यहाँ पर क्या है? आखिरी हर्फ है। तो हमने लिखे नून या न। उसके बाद दूसरी लाइन में आते हैं, क्या लिखा हुआ है? नाच। नाच में पहला ना है और दूसरा क्या है? च। तो यहाँ पर एक और दो, दो के बाद तीन चार दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है? आखिरी में दो ही दिखाई दे रहा है। तो दूसरे नंबर पे क्या है? च। तो दूसरा नंबर हमारे यहाँ पे क्या है? आखिरी। तो आखिरी हर्फ क्या हो गया? च। तो हमने यहाँ पे क्या लिखे? च। ठीक है। उसके बाद है ये क्या लिखा है? तारा या तारे? तारे। अगर अलीफ होता तो तारा, यहाँ पर ए है इसलिए तारे। तो तारे में पहले नंबर पे है ता, दूसरे पे है र और तीसरे पे है ए। तो यहाँ पर आखिरी कौन सा कहलाएगा? तीसरा नंबर जो है वही आखिरी है। तीसरे नंबर पे क्या है? ए। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए। उसके बाद है रोजा। क्या लिखा है? रोजा। पहले नंबर पे क्या है? रे। दूसरे नंबर पे वाव। तीसरे नंबर पे जे। चौथे नंबर पे हे। तो चौथे नंबर के बाद और कोई नंबर है क्या? तो यहाँ पर चौथा नंबर ही क्या है? आखिरी है। और चौथे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है? ह। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ह। उसके बाद है दादी। पहले नंबर पे क्या है? द। दूसरे नंबर पे अ। तीसरे नंबर पे द। चौथे नंबर पे ई। यहाँ पे चौथा नंबर क्या है? आखिरी है। चौथे के बाद पांचवा दिखाई दे रहा है क्या? किसको दिखाई दे रहा है? उमर को दिखाई दे रहा है? चार के बाद कोई और नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये चौथा नंबर हमारा क्या है? आखिरी है। तो आखिरी नंबर चौथा है। चौथे के ऊपर क्या लिखा है? ई। क्या लिखा है? ई। तो हमने देखो यहाँ पे क्या लिखे? ई लिख दिए। चलो अभी आप तीसरी लाइन में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है? नाज। नाज। तो नाम है नंबर एक और ज में दो। तो यहाँ पर आखिरी कौन सा है? ज। तो ज को हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद है ओट। ओट में पहले नंबर पे अ, दूसरे नंबर पे व, तीसरे नंबर पे ट। और तीसरे नंबर के बाद और कोई नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं। इसलिए तीसरा नंबर ही आखिरी है। इसलिए तीसरे नंबर के ऊपर क्या है? ट। तो ट हम लिखेंगे आखिरी। आखिरी हर्फ क्या है? ट। सबकी आवाज़ नहीं आ रही, आखिरी हर्फ क्या है? ट। उसके बाद है याद। क्या लिखा है? तो यहाँ पहले नंबर पे है और द दूसरे नंबर पे है, दूसरा आखिरी है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? आखिरी द। आखिरी क्या लिखेंगे? द। अब उसके बाद है दे दो। द के नीचे क्या लिखा है? द के नीचे एक, ए के ऊपर दो, फिर द के ऊपर तीन, और फिर व के ऊपर
चार। आखिरी में कौन सा नंबर है? नंबर नंबर चार नंबर आखिर में। चार के पाँच छः सात आठ कुछ दिखाई दे रहा सबको? किसी को नंबर दिखाई दे रहा आगे का? तो चार नंबर यहाँ पे आखिरी है, इसलिए चार के ऊपर वाला भी आखिरी रहेगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? वह। तो सबको समझ में आ गया? किस किस को समझ में नहीं आया? जो हमारा आखिरी हर्फ है, जो आखिरी नंबर है, वही हमारा आखिरी हर्फ कहलाएगा। तो आप में प आखिर है। कौन सा आखिर है? प। आड़ में ड आखिर है। कौन सा आखिर है? ड। सबकी आवाज। आज में ज आखिर है। आन में न आखिर है। नाच में च आखिर है। तारे में ए आखिर है। ए। और रोजा में ह आखिर है। और दादी में ई आखिर है। ई या नहीं ई। और नाज में ज, नाज में ज, ज आखिर है। ओट में ट आखिर है। ट। और याद में द आखिर है। और दे दो में द आखिर में है। सबके समझ में आ गया?